इस साल पद्मश्री सम्मान के लिए नामित झारखंड के सरायकेला खरसा जिले के छुटनी महतो को जमशेदपुर की संस्था फ्री लीगल एड द्वारा शनिवार को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, फ्री लीगल एड एक सामाजिक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना और सामाजिक कुप्रथाओं के शिकार लोगों को इंसाफ दिलाना है। 95 में ही कुचाई एक जगह है सरायकेला के पास, वहाँ एक परिवार के 6 लोगों की हत्या की गई थी। केवल एक बच्ची बची थी जिसके साथ बुरी तरह से दुर्व्यवहार हुआ था, तो वो बहुत भयंकर घटना थी। उस समय उपायुक्त श्री अमित खरे जी थे, उन्होंने हमको बुलाया और हम लोग योजना बना के प्रशासन के साथ एक बड़े पैमाने पर लॉन्च किया अभियान। और फिर ये हुआ कि एक चेहरा और एक प्रतीकात्मक जगह हम लोग सेंटर के रूप में विकसित करें। श्रीमती छोटनी जी के घर में ही एक हम लोगों ने आश्रम बनाया था 97 में। अमित जी भी उसमें शामिल हुए थे, अमित खरे जी। और कोयला बीरा एक जगह है, उसमें प्रशासन ने भी एक बहुत बड़ा जगह दिया था। और ये दोनों जगह की संचालिका फ्री लीगल एड कमिटी श्रीमती छोटनी महतो को वहाँ रखा गया था। और ये उसी समय वो पूरा चेहरा के रूप में हमारी संस्था की शुरू से गुरु क्या बोलते हैं शुरू से आप मेरे को रोला नहीं चाह रहे। हम रोना हम भूल गए हैं, अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तकलीफ को किनार में घुसा दिए हैं, एक दूसरे के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारा ससुराल वाला लोग ताकि जमीन जगह हड़पने के लिए, अब जमीन जगह लड़ लिया ले लिया, जब हमको इतना बड़ा ये किया, अपमान किया, बेइज्जती किया, लेकिन वो अपमान तो मेरा नहीं लौटेगा। इसीलिए हम अपना घर द्वार छोड़ दिए। हम बोले हम नहीं रहेंगे, कहीं भी कोई पेड़ के नीचे हम रहेंगे तो वही जगह हम अच्छा रहेंगे। तो हम पेड़ के नीचे हम 8 महीना बिताए। जैसे